हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो जैसे कि इस बार जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ वो है ऑनलाइन बैट परचेस करना चाहिए कि नहीं। जैसे कि आप लोगों ने देख ही लिया हुआ थंबनेल पे, पता लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो देखी थी जो कि मेरी रिसेंटली किसी चैनल ने डाली थी। मैं नाम तो नहीं लूँगा उस चैनल का, बट हाँ मुझे वो वीडियो अच्छी नहीं लगी क्योंकि उसमें कहीं से भी क्लैरिफाई नहीं करा। बस 10 मिनट की वो वीडियो बना दी है, पता नहीं क्यों 10 मिनट की वीडियो बना दी है, कोई क्लैरिफाई तो करा ही नहीं उसमें कि क्यों करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो उसी बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि क्रिकेट के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं या फिर स्पोर्ट्स के, वो हम लोग बाय करें ऑनलाइन कि ना करें। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करें जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो गाइस, सबसे पहली बात क्या होती है कि जब हम लोग ऑनलाइन बैट परचेज करने जाते हैं, सबसे पहले दिक्कत क्या आती है लोगों को, साइज। ठीक है, चलो मान लो साइज हम लोगों ने देख भी लिया ऑनलाइन कि हाँ हमें इस साइज पे, क्योंकि साइज कैसे देखी जाती है, हाइट पे। अगर आपकी हाइट 5 फुट है, 6 फुट है, उसका मैं पूरा का पूरा चार्ट यहाँ पे आपको दिखा दूंगा। अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को तो डिस्क्रिप्शन में मैंने सारा बता रखा है सबके बारे में कि कौन सी हाइट को कितने हाइट का बैट लेना चाहिए, तो उसके बारे में बता दूंगा। तो चलो, ज़्यादा इशू नहीं है कि हाइट का, बहुत लोग स्टिकर लगा के बेच देते हैं कि ये SS का बैट है, बट वो SS का रियल में नहीं होता। और क्या दिक्कत आती है, और दिक्कत ये आती है कि बहुत लोग सोचते हैं कि कम प्राइस का बैट मिल रहा है ले लो, बट वो ये देखते नहीं कि वो कम प्राइस का बैट किसका है, कौन सी लकड़ी यूज़ हुई है। वो ऐसे ही ले लेते हैं, भाई SS कंपनी का उठा लो, बट ऐसे बैट नहीं परचेज करना चाहिए। तो गाइस, और क्या दिक्कत आती है बैट लेने में, देखो गाइस, जब भी आप बैट लेने जाते हो ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले क्या देखते हो बैट में, प्लेसमेंट। अगर उसका प्लेसमेंट अच्छा है तभी तो बैट बाय करोगे। तो उसमें आपको देखिए, आराम से आप जब भी बैट लेने जाओ पहले ग्लव्स लेके जाओ, ठीक है, ग्लव्स वेयर करो उसके बाद परचेज करो। बट ऑनलाइन में ऐसा कुछ नहीं है, आपको पता नहीं चलेगा कि उसमें प्लेसमेंट है कि नहीं, उसका आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि मास डिस्ट्रीब्यूशन है कहाँ पे बैट का, इधर है इधर है इधर है, कहाँ है आपको नहीं पता चलेगा ना। लेकिन आप जब लेने जाओगे सामने से तो आपको पता चल जाएगा कि मास डिस्ट्रीब्यूशन है कहाँ ऑलरेडी। तो गाइस, और क्या ध्यान में रखना चाहिए, देखिए यार, जब भी आप बैट ले रहे हो ठीक है, ऑफलाइन जाके जब देते हो तो आप लोग ग्रेन्स देखते हो बैट की और लकड़ियाँ देखते हो, लकड़ी को आप लोग थोड़ा सा नेल से दबा कर देखते हो ठीक है, उस टाइम तो उस टाइम आपको पता चल जाता है कि बैट कैसा है। लेकिन ऑनलाइन आप लोग ये नहीं देख सकते, ग्रेन्स का भी कुछ पता नहीं चलता क्योंकि ऐसे फोटो खींची होती है कि कुछ दिखता ही नहीं है ढंग से, ग्रेन्स का भी कुछ पता नहीं होता। तो इसी वजह से ना आप जब लेखने जाओ, और हाँ लकड़ी की बहुत दिक्कत होती है, कच्ची लकड़ी के भी बैट बहुत सारे मिल जाते हैं। मैंने जब बहुत पहले स्टार्टिंग में मंगाया था 800 रुपये के चक्कर में खुशी खुशी मंगा लिया, जब मैंने खेला दूसरी बॉल पे वो बैट टूट गया और वो वहाँ से टूटा और मेरा दिल यहाँ से टूटा, क्योंकि आप अच्छा था ना स्टार्टिंग में बैट लिया था बहुत खुशी खुशी, पहले 100-200 रुपये वाले बैट लेके खुशी खुशी से जाता था, लेकिन एक बार मैं 800 रुपये का मंगाया टूट गया, मैंने कहा वाह। तो गाइस, ऑनलाइन बैट परचेज करने से पहले आपको वहाँ पे एक रिव्यू सिस्टम होता है ठीक है, जब भी आप बैट का कार्ड खोलोगे तो उसके नीचे रिव्यू होता है, तो उस रिव्यू को भी जाके पढ़े कि उस बैट के बारे में क्या रिव्यू दिया गया है, तो वो भी एक ओरिजिनल होता है, तो पहले उसे रीड कर लो उसके बाद आगे का कुछ उसे खरीदने का सोचो। तो गाइस, फ्यूचर में अगर कोई भी मुझे वेबसाइट नज़र आई जो कि अच्छी क्वालिटी का बैट आपको परचेज करवा सकती है, दे सकती है, तो मैं ज़रूर बताऊँगा आप लोगों को। बाकी उसको पता है ना, बताने के लिए आपको चैनल से जुड़ना पड़ेगा, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। देखिए गाइस, अगर आपके आसपास शॉप नहीं है, बहुत जगह होता है कि आसपास शॉप्स नहीं होती हैं तो वो ऑनलाइन बैट परचेज करते हैं, देखिए करो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ध्यान रखना कि वो बैट ओरिजिनल क्वालिटी का हो ठीक है। उसे बहुत सारे लैंडमार्क दिए होते हैं कि हाँ, मतलब मार्क ऐसी कंपनी के बना रखे होते हैं कि वो ओरिजिनल है ठीक है, बहुत सारे इधर भी एक मार्क होता है, हर जगह ओरिजिनल बैट की क्वालिटी का हर जगह मार्क दिया होता है ठीक है, तो वो लोग आप आराम से बाय कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ज़्यादा। बट अगर जिसके पास है आसपास शॉप तो अपनी आंखों के सामने दे, आंखों के सामने अच्छा ही होता है ना हर चीज़, ताकि ये ना हो। और हाँ, ऑनलाइन जब भी परचेस कर रहे हो ना, उसका एक रिफंड पॉलिसी देख लेना, बहुत दिक्कत होती है एंड में, वो लोग बोलते हैं कि हम ऐसे नहीं दे सकते, वैसे नहीं दे सकते, ऐसा हमारा पॉलिसी नहीं था। पर इसलिए करो, जब भी आप लेने जाओ साइज, वेट ठीक है, ग्रेन्स, ये सब कुछ चेक करो, कंपनी के जो लैंड वो मार्क वगैरह दिए होते हैं वो भी चेक करो, वो चेक करके ही बैट लेना। तो गाइस, एक और खुशखबरी है कि मैं एक नया चैनल चालू करने वाला हूँ, क्योंकि यार अभी लास्ट 2 या 3 मंथ तक मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मुझे कोई मैच नहीं खेलना क्योंकि बारिश की वजह से सारे मैच खत्म है, तो इसी वजह से मैं फ्री हूँ। तो मैंने सोचा एक और चैनल क्यों ना चालू करा जाए, तो इसीलिए मैं अब एक और चैनल चालू करूँगा, उसमें थोड़ा लाइफस्टाइल, सस्ते सामान कहाँ मिलते हैं वो सब चालू होगा उस चैनल पे। तो जितना आपने मुझे यहाँ प्यार दिया है, होप कि आप लोग मुझे वहाँ पे भी उतना ही प्यार दो। यहाँ हम लोग 1.5 लाख फैमिली तक पहुँच गए, मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे भी हम लोग आगे तक पहुँचे। बाकी अब बात करते हैं गिव अवे की। एक गिव अवे मैंने लास्ट टाइम सेकंड लास्ट वीडियो में अनाउंस किया था 6000 रुपये का, उसका रिजल्ट बहुत लोग बोल रहे हैं कि कब आएगा। देखो रिजल्ट आएगा ठीक है, बट मुझे ये दिक्कत होगी उसमें बहुत सारे मैसेज कमेंट आ गए हैं, तो रीड करके रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन सबके मैसेज मैं रीड कर रहा हूँ। इंस्टाग्राम पे बहुत वीडियो आई हैं, बहुत लोग वीडियो नहीं भेज पा रहे, इसलिए मैंने उनको बताया कि कमेंट के लिए। तो रिजल्ट का अनाउंसमेंट मैंने इसलिए डिले कर रखा है अभी, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे वहाँ पे बोला है कि भाई हम लोगों के यहाँ पे बारिश हो रही है, हम लोग वीडियो बना के नहीं भेज सकते, तो सर आप प्लीज़ थोड़ा डिले करो। मैंने कहा ठीक है यार, आप लोगों के लिए गिव अवे है तो आप लोगों के लिए तो बात सुनूंगा ना मैं, तो इसलिए थोड़ा डिले है, बाकी दिक्कत मतलब एक
मैं चाहता था सबको मिल जाए, बट इतने पैसे है नहीं मेरे पास। चाहता हूँ बड़ी कंपनी स्पॉन्सर कर दे कि आराम से 10-15 लोगों को मिल जाए, बाकी जिसको मैं अभी दे पा रहा हूँ उसको दे पाऊँगा। तो चलो वीडियो एंड करता हूँ। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए बहुत बेनिफिट होगी आज की वीडियो। तो लाइक शेयर कमेंट करना भूलना मत, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट कर देना कि आपको आगे आने वाली वीडियो में कौन सी वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं, बाय।